और आखिरकार तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम को बुरी तरह से पानी पिलाने के बाद भारतीय टीम ने इस श्रृंखला पर अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय टीम की जीत के कई कारण रहे तो वही शोएब अख्तर और एबीडी विलियर्स के भी होश उड़ गए। भारत की जीत पर क्या कुछ कहा दोनों ही खिलाड़ियों ने, लेकिन अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और अफ्रीका के बीच खेलेगा इस मुकाबले में टॉस अफ्रीका की टीम ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन ने 108 रन की पारी लिए और उनका बखूबी साथ दिया था। तिलक वर्मा ने 52 रनों का योगदान उन्होंने मिडिल ऑर्डर में दिया, तो अंत में रिंकू ने भी शानदार बल्लेबाजी करी और 27 गेंद में 38 रन की परी हेड लड़ी, जिसके चलते भारतीय टीम 296 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंच गई। लक्ष्य का पीछे करने उत्तरी अफ्रीका की शुरुआत सदी हुई रही। हेंड्रिक्स को 19 रन के स्कोर पर हर्षदीप ने आउट किया और उसके बाद वेंडर डूसेन को अक्षर पटेल ने 2 रन के स्कोर पर बोल्ड मार दिया, लेकिन उसके बाद जॉर्जिया और मार्क्रम के बीच एक साझेदारी हो गई। दोनों ने टीम का स्कोर 141 रन तक पहुँचा दिया था और भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन ऐसे में हर्षदीप ने जॉर्जिया को LBW आउट कर दिया। हालांकि अंपायर ने तो नॉट आउट करार दिया था, लेकिन राहुल ने धोनी की तरह DRS लेने का फैसला किया और जब रिप्ले में देखा गया तो जॉर्जिया क्लियर आउट थे और अंपायर को राहुल की काबिलियत के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। यह मैच का टर्निंग पॉइंट था जो के एल राहुल की काबिलियत के चलते बदल गया, लेकिन इतना ही नहीं, राहुल ने उसके बाद मुल्डर को 1 रन के स्कोर पर कैच आउट कर दिया था, इसे भी नॉट आउट दिया, लेकिन उन्होंने फिर एक बार थर्ड अंपायर के पास DRS की मांग करी और फैसला पूरी तरह से पक्ष में रहा। 2 बार राहुल ने धोनी की तरह अंपायर के फैसले को बदलवाया और उसके चलते ही टीम के पक्ष में जीत नजदीक आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों शिकंजा अफ्रीका के ऊपर आसानी से कसा रहा। मुकेश कुमार ने डेविड मिलर को 10 रन के स्कोर पर राहुल के हाथों कैच आउट कर 7वां झटका अफ्रीका की टीम को दे दिया। 7 विकेट 192 रन के स्कोर पर गिर गए थे। गेंदबाजों ने बड़ी ही आसानी से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का आउट करके एक विशाल जीत इस मुकाबले में हासिल करके इस सीरीज को 21 से अपने नाम कर लिया और उसके बाद आसानी से भारतीय टीम ने 70 रन से इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। वही टीम इंडिया की जीत के बाद शोएब अख्तर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आज भारत में इस सीरीज को जीतकर नया इतिहास रच दिया है। यह इतिहास में दूसरी बार हुआ है अफ्रीका की टीम को उन्हीं के घर में वनडे सीरीज भारत ने हराया हो। भारतीय टीम की जीत के कई कारण रहे। संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। उनकी बल्लेबाजी के चलते मजबूत स्कोर टीम बनाने में कामयाब रही, लेकिन अर्शदीप की गेंदबाजी ने टीम इंडिया की जीत में 4 चांद लगा दिए। यह खिलाड़ी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप काफी ज्यादा अपने जलवे बिखरने वाले हैं। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस ने मेरा भी दिल जीत लिया। अगर ऐसे युवा खिलाड़ी पाकिस्तान में होते थे, शायद पाकिस्तान की टीम आज बुलंदियों पर पहुंच जाती। टीम की हार के बाद अब्दी विलियर्स का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमारी टीम का क्रिकेट अच्छा रहा हो या नहीं, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया। संजू सैमसन के शतक ने टीम की आधी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया था, जबकि इसके अलावा KL राहुल की भूमिका को भी बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने धोनी की तरह जो 2 DRS लिए, वहीं से मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। हमारी टीम इसकी वजह से मुकाबला हारी है, वरना जॉर्जिया अगर आउट नहीं होते तो मुकाबला का परिणाम कुछ और होता और अर्शदीप ने खतरनाक गेंदबाजी करी। मुझे लगता है यही फर्क है, भारत के वह युवा खिलाड़ी थे और हमारे अनुभवी खिलाड़ी, बावजूद उसके हमारी टीम सीरीज हार गई। काफी ज्यादा शर्म आनी चाहिए अफ्रीका की टीम के खिलाड़ियों को। इस तरह से दोनों ने अपनी बात कही, लेकिन आप सभी टीम इंडिया की जीत का असली हकदार किसे मानेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं।